नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है बेसन वाले चटपटे दम आलू। बेसन वाले चटपटे दम आलू बनाने के लिए मैंने ये छोटे वाले आलू लिए हैं, एकदम छोटे साइज़ के आलू ये, और इन्हें उबाल लिया है और इनके छिलके निकाल लिए हैं। लगभग 200 ग्राम आलू हैं ये, और एक बड़ा प्याज बारीक काट लिया है, और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक काट लिया, लगभग 4 से 5 लहसुन की कलियाँ बारीक काट लिए, और थोड़ा सा अमचूर लिया हुआ है मैंने, और तड़के के लिए रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप। मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है, और लगभग 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर डालूंगी, लगभग 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। 1 छोटा कटोरी मैंने बेसन लिया हुआ है, और 1 छोटा चम्मच हींग लिया हुआ, और ये मैंने सौंफ ली हुई है। जैसे कश्मीरी दम आलू बनते हैं तो उसमें सौंफ डलता है, तो इसमें भी थोड़ा मैं सौंफ डाल रही हूँ, जिसे हल्का सा कूट लिया है मैंने। और 2 छोटे चम्मच जीरा है, और 2 छोटे चम्मच राई है। तो शुरू करते हैं चटपटे दम आलू बनाना। चटपटे दम आलू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल दूँगी। 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है मैंने। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें राई और जीरा डालूँगी। अच्छे से क्रैकल हो रहा है, मैं इसमें प्याज और अदरक लहसुन डालूंगी। लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ वो भी डाल दूंगी, और इसमें हींग डाल दूंगी। और इसे भून लूंगी, और आंच गैस की कम ही रखूंगी। क्योंकि साथ में हमें बेसन भी भूनना है, तो अभी थोड़ा सा प्याज भून लेंगे, उसके बाद बेसन भूनेंगे। लगातार चलाते हुए प्याज को मैंने भून लिया है, देखिए इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब मैं इसमें बेसन डाल देती हूँ। लगभग 2 से 3 चम्मच बेसन डालूंगी इसमें। आपने जितने आलू लिए हैं उसके हिसाब से लेंगे कि उसमें अच्छे से कोट हो जाए। थोड़ा मैं और डाल सकती हूँ इसमें, लगभग 4 चम्मच के करीब डाल दिया बेसन। अब इसे धीमी आंच पे भूनेंगे अच्छे से, जब तक कि अच्छी खुशबू आने लगेगी और बेसन का कलर भी चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, तब तक के भूनना है बेसन को लगातार चलाते हुए। धीमी आंच पे बेसन को भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है, क्योंकि हमें धीमी आंच पे ही भूनना होता है। फुल आंच पे भूनेंगे तो बेसन जल जाएगा, इसलिए देखिए अच्छे से भून चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया इसका। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। हल्दी पाउडर डाल दूंगी, मिर्च पाउडर डाल दूंगी, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और ये कश्मीरी मिर्च है इसलिए इसका कलर बहुत ही डार्क है। और छोटे 2 चम्मच में धनिया पाउडर डाल दूंगी, और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। नमक थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैंने जब आलू उबाले हैं तो उसमें नमक डाला है, और इसमें ये सौंफ जो मैंने क्रश करके रखी वो भी डालूंगी, और इनको थोड़ा सा भून लूंगी मैं, उसके बाद में अमचूर पाउडर डालूंगी। सभी मसाले डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट कम आँच पे भून लिया है लगातार चलाते हुए। अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और इसे मिक्स कर दूंगी। अमचूर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे, क्योंकि हमने इसमें तेल कम डाला है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ग्रेवी नहीं बनाना है, ताकि ये
थोड़ा सा गीला हो जाए और अच्छे से कोट हो जाए आलू के ऊपर ये मसाला, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे कम आँच से पकने दूंगी ताकि इसका जो टेस्ट है ग्रेवी का आलू में अंदर तक चला जाए। ये देखिए मसाला ऊपर तो लग चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, बिल्कुल एक छोटा ग्लास। देखिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसे। देखिए पूरी तरह से कोट हो गए ये। अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं, पर ये सूखे ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब मैं इसे ढक दूंगी और धीमी आंच पे इसे लगभग 4 से 5 मिनट पकने दूंगी और बीच में देख लूंगी एक बार। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं आलू को पकते हुए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। ये देखिए थोड़ा स्टीम से भी इसमें पानी बना है और मैं अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेती हूँ इसे। देखिए बहुत ही अच्छे से कोट हो गया है आलूओं पे बेसन मसाला सभी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसे लगभग 2 से 3 मिनट और होने दूंगी। थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा इसका। अगर आपको क्रिस्पी करने हैं तो नीचे ऐसा फैला दीजिए और धीमी आंच पे होने दीजिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए अच्छे से फैला दिए हैं, अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी और गैस की आंच एकदम कम रखूंगी लगभग 3 से 4 मिनट। उसके बाद में कश्मीरी चटपटे दम आलू तैयार हो जाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट मैंने चटपटे दम आलू को और पका लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए कलर भी चेंज हो गया है इसका और सभी मसाले आलू पे अच्छे से कोट हो गए। चटपटे दम आलू खाने के लिए तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। बेसन वाले चटपटे दम आलू बन के तैयार है खाने के लिए और ये आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये आलू हम रोटी पराठा पूड़ी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बेसन के साथ। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि चटपटे दम आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।